फ्रेशर या जैसा किसी को चाहिए नहीं, सबको चाहिए एक्सपीरियंस वाला। सबको लगता है हेयर ड्रेसर पैदा होते ही बन जाता है, या फिर जब पैदा होता है तो हेयर ड्रेसर पैदा होता है। ऐसा नहीं है, हेयर ड्रेसर बनता है एक्सपीरियंस। हर किसी को, हर सलून ओनर्स को हेयर ड्रेसर चाहिए एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? आप उसको जॉब दोगे। अगर कोई बंदा एकेडमी से निकला है, जब तक वो जॉब नहीं करेगा उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, और आप उसको जॉब पे रखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम है, वो नया है। तो हर बंदा को चाहिए, हर लोगों को चाहिए एक्सपीरियंस हेयर ड्रेसर। जॉब पे रखेंगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस हेयर ड्रेसर्स को रखेंगे, नए हेयर ड्रेसर को नहीं रखेंगे क्योंकि वो नया है। काम देखने से पहले, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, काम देखने से पहले ही हेयर ड्रेसर को डिसाइड कर लेते हैं कि ये नया है, काम नहीं कर पाएगा। बट ऐसा नहीं है, हर नया बंदा ज़रूरी नहीं है कि काम नहीं कर पाएगा। और आप हेयर ड्रेसर को चांस नहीं देंगे तो वो कहाँ से एक्सपीरियंस गेन करेगा? घर में बैठे बैठे बंदा कैसे एक्सपीरियंस गेन करेगा? इसीलिए हेयर ड्रेसर लोग, 90% हेयर ड्रेसर लोग झूठ बोलते हैं कि मैं 6 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ना पता है कि अगर मैं सच बोलूँगा ना जॉब पे नहीं रखेंगे। क्योंकि सच सुनने का ना मतलब इतना ईजी नहीं है सच सुनना, तो इसीलिए हेयर ड्रेसर ना झूठ बोलते हैं। फिर बाद में लोग, सलून ओनर्स कहते हैं ये तो झूठ बोल के ज्वाइन किया है। आपके अंदर सच सुनने का तो हिम्मत ही नहीं है। अगर हिम्मत है भी तो आप उसको सच सुन के आप उसको जॉब पे नहीं रखोगे, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करेगा? अपने घर पे बैठ के खुद रेडी नहीं करना चाहेंगे किसी को। हर किसी को किसी और का रेडी किया हुआ बनना चाहिए, और फिर उससे एक्सपेक्टेशन भी करेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। आप बंदा को रेडी करो अपने तरीके से, फिर देखो वो हेयर ड्रेसर आपका बात कैसे नहीं सुनता है, आपका रिस्पेक्ट कैसे नहीं करता है। आपको चाहिए किसी और का बच्चा, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो मेरे बच्चे जैसा मेरा साथ ट्रीट करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपना बच्चा बनाना है तो आपको अपने बच्चा जैसा ट्रीट करना होगा, उसको वैसा ही बड़ा करना होगा, तब जाके आपको आपके बच्चे जैसा आपको रिस्पेक्ट करेगा। किसी और का बच्चा को आप चाहोगे कि मेरे को वो वैसा रिस्पेक्ट करे? नहीं हो सकता। आप उसको बनाओगे वो आपको रिस्पेक्ट करेगा।